ये कहता है कि सैटेलाइट ऑफ मास एम इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद ए स्पीड वेलोसिटी वी, व्हाट विल द टोटल एनर्जी। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी, अगर किसी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का जो फार्मूला रटे हो, रट लिए हम लोग, माइनस जी एम एम ओवर आर होता है। आर जो है सैटेलाइट की ऑर्बिट होती है, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की, वो होती है हाफ एम बी स्क्वायर, और उसकी वैल्यू होती है जी एम एम और प्लस टू आर, ठीक है, ये प्लस टू आर ही होता है। ये होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो टोटल एनर्जी है वो एमबी के टर्म में बताना है, ठीक है, तो एमबी के टर्म में बताना है, इसका मतलब ये हुआ व्हाट विल बी इट्स टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी, तो ये हम सबको पता है कि टोटल एनर्जी तो हमेशा निगेटिव होगा, तो ये तो टोटल एनर्जी तो हमेशा निगेटिव होगा यार, ये तो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, ऐसा ही नहीं हो सकता, यही सही है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है वो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर है, माइनस हाफ जी एम एम इजक्वल टू एम बी स्क्वायर, दैट इज द टोटल एनर्जी। वैसे भी टोटल एनर्जी सेटेलाइट की इलेक्ट्रॉन की बाउंडेड सिचुएशन होता है, ठीक है, बाउंडेड होता है, थ्योरी में पढ़े थे ना हम लोग। तो ये अगर इस टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो निगेटिव हमेशा होगा। नेक्स्ट ये